अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। माया को सुलेमान के साथ शादी करके जल्द ही अंदाज़ा हो जाता है कि ना सिर्फ सुलेमान की मोहब्बत झूठी है बल्कि उसने ज़िंदगी के जो ख्वाब भी देखे होते हैं वो भी पूरे होने वाले नहीं है और उसने बहुत ज़बरदस्त धोखा खाया है। और दूसरी तरफ जब वो अमार और फारिया को खुश देखती है तो वो चाहती है कि उनकी ज़िंदगी में भी आग लगा दे। इसके लिए वो बहाने बहाने से अमार से मिलना शुरू हो जाती है ताकि अमार को पछतावा हो कि उसने माया को छोड़कर फारिया के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। सुलेमान जो कि माया से शादी करके अपने ससुराल वालों की तरफ से सख्त दबाव में होता है, वो चाहता है किसी भी तरीके से माया से जान छूट जाए। इसके लिए वो अमार का बहाना बनाकर उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम रख देता है कि तुम अमार से मिलती हो। इसी बात पर दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और माया ज़िद्द में सुलेमान की पहली बीवी को फ़ोन करके बता देती है कि वो सुलेमान की दूसरी बीवी है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है क्योंकि इसके नतीजे में अमार अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर ना सिर्फ माया को धक्के देकर घर से निकाल देता है बल्कि उसे तलाक भी दे देता है। अब माया किसी को नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहती